मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में बताऊंगी। पिछले व्याख्यान में भी मैंने आपको गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय और उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि से अवगत कराया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको गोखले के आर्थिक और सामाजिक विचारों के संबंध में बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। गोखले राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने पश्चिमी देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया था। विकासशील और विकसित देशों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को भी उन्होंने भली भांति समझा था। उनके आर्थिक विचार उनके राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे तथा जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक लिस्ट से प्रभावित थे। भारत के लिए फ्रेडरिक लिस्ट के आर्थिक सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए गोखले ने एक स्थान पर लिखा कि लिस्ट ने एक स्थान पर बताया है कि भारत जैसा कोई देश सार्वभौम प्रतियोगिता के भवन में फंस जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। उनका कहना है कि जब ऐसा होता है कि कोई देश जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके उत्पादन के तरीके पुराने ढंग के हैं और जो अधिकतर शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है, ऐसे देशों के साथ सार्वभौम प्रतियोगिता में फंस जाता है जो भाप तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं और उत्पादन में नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधानों का सहारा लेते हैं, तो पहला प्रभाव यह होता है कि स्थानीय उद्योगों का विनाश हो जाता है और देश को फिर खेती का ही सहारा लेना पड़ता है। कुछ समय के लिए वह पूर्णतः कृषि प्रधान बन जाता है, इसके बाद राज्य का कर्तव्य आरंभ होता है। ऐसी स्थिति आ जाए तो राज्य को चाहिए कि वह बढ़कर आगे आए और संरक्षण की उचित व्यवस्था द्वारा उन उद्योगों का परिवर्धन कर जो परिवर्धन करने योग्य हैं और जिससे देश को नवीनतम मशीनों की सहायता से पुनः औद्योगिक मार्ग पर अग्रसर करके विश्व के सामने प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक खड़ा कर सके। उनके बजट भाषणों में उनके आर्थिक विचारों की झलक देखने को मिलती है। गोखले के आर्थिक विचारों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसमें पहला है पूर्णतः मुक्त व्यापार की नीति का विरोध। गोखले उदारवादी विचारधारा के पक्षधर थे, लेकिन उदारवादी विचारधारा के अनुरूप उन्होंने पूर्णतः मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन कभी नहीं किया। उनकी मान्यता थी कि आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती। भारत में इस नीति को लागू करने का दुष्परिणाम उद्योग धंधों के विनाश के रूप में सामने आता है। इस नीति के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया है, जिसका कार्य ब्रिटेन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना है। 1897 में वेल्वी आयोग के समक्ष सरकार की मुक्त व्यापार की नीति की आलोचना करते हुए गोखले ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की मुक्त व्यापार की नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे प्रायः नष्ट हो गए हैं। रोजगार का अन्य अवसरों के अभाव में गाँव की आधी जनसंख्या को कृषि पर आश्रित होने के पर बाध्य होना पड़ा है। तो इस तरह से गोखले ने पूर्णतः मुक्त व्यापार की नीति का विरोध किया। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने उचित आर्थिक संरक्षण नीति अपनाने पर बल दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोखले इस बात से परिचित थे कि अंग्रेजों की उन्मुक्त व्यापार की नीति के कारण भारत मात्र कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। अतः गोखले ने उचित आर्थिक संरक्षण की नीति को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, किंतु वे पूर्ण आर्थिक संरक्षण के पक्ष में नहीं थे। वे ब्रिटिश शासन की मुक्त व्यापार के अनुरूप आर्थिक संरक्षण की नीति अपनाने के पक्ष में थे, जिससे भारत भी अपनी औद्योगिक क्षमता का स्वतंत्रतापूर्वक विकास कर सके। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया, लेकिन बहिष्कार को हितकारी नहीं बताया।
गोखले ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन का समर्थन किया, किंतु वे बहिष्कार की नीति को अपनाकर स्वदेशी का विस्तार करना उचित नहीं मानते थे। बहिष्कार की नीति को उचित न मानने के पीछे उनकी यह मान्यता थी कि भारत को स्वदेशी की नीति के साथ साथ पूंजी, आर्थिक उद्यम की तकनीक, उद्योगों के संबंध में जानकारी की भी आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय उद्योगों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे विदेशी वस्तुओं तथा तकनीकी जानकारी के अभाव में अपना स्वतंत्र आर्थिक अस्तित्व प्राप्त कर सकें। इसलिए गोखले बहिष्कार को तत्कालीन संदर्भ में उचित नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में गोखले ने करों में कमी का समर्थन किया। गोखले ने बढ़ती हुई दरिद्रता पर व्यापक रूप से विचार किया। उन्होंने कर प्रणाली के स्वरूप को भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता का एक कारण माना। उनका मत था कि बढ़े हुए कर के कारण भारत में पूंजी की कमी हो रही है, उत्पादन क्षमता का ह्रास हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जनता के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा। गोखले कर वृद्धि को न केवल भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी मानते थे, बल्कि उनके अनुसार यह भारत का धन भारत से बाहर ले जाने का भी एक मार्ग था। उनका सुझाव था कि करों की दर घटाकर भारतीय उद्योगों के साधनों को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके। गोखले के आर्थिक विचारों में अपवहन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी और गोविंद रानाडे की भांति गोखले ने भी अपवहन के सिद्धांत को अपने आर्थिक विचारों के अंतर्गत महत्व प्रदान किया। अपवहन के सिद्धांत से तात्पर्य उस धन की निकासी था जो भारत से इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। इस संबंध में 1905 में गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कहा था कि पिछले 100 वर्षों से भारत एक ऐसी सशक्त जाति के अधीन है जो देश की कमाई देश के बाहर ले जाती है और उसे वहीं व्यय करती है। जिस प्रकार आयरलैंड की ज़मीन को इंग्लैंड वासियों ने अपने अधीन कर लिया है, उसी प्रकार उन्होंने भारत की पूंजी को हत्याकर भारतीयों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अनेक वर्षों से भारत का धन देश से बाहर निकलता जा रहा है। इस संबंध में गोखले ने राजनीतिक अपवहन और औद्योगिक अपवहन में अंतर किया। उन्होंने इंग्लैंड में शासन पर होने वाला खर्च राजनीतिक अपवहन के अंतर्गत रखा। राजनीतिक अपवहन की तरह उन्होंने कर निर्धारण, सैनिक व्यय, ब्रिटिश अधिकारियों के ऊंचे वेतन, इंग्लैंड में होने वाला प्रशासनिक व्यय आदि को शामिल किया। औद्योगिक अपवहन के अंतर्गत उन्होंने विदेशी पूंजी, कौशल तथा जोखिम को रखा, जो बाहर जाने वाले धन का 1/3 होता था। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में गोखले ने कृषि सुधार संबंधी सुझाव दिए। गोखले को तत्कालीन भारतीय कृषि की दुर्दशा का ज्ञान था। उन्होंने समय समय पर उसके सुधार के सुझाव दिए। लगान में कटौती के लिए गोखले ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष सुझाव रखा और उन्होंने ऊंची लगान की दरों को भारत की गरीबी का एक कारण माना। गोखले ने लगान की वसूली के तरीके के में परिवर्तन का भी सुझाव दिया। सिंचाई का विस्तार, ऊंची सिंचाई दरों के विरोध की मांग, कृषि बैंकों का विकास, वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित कृषि जिससे उत्पादन पर वृद्धि हो सके, ये सभी गोखले के कृषि सुधार संबंधी सुझाव थे। गोखले ने कृषि सुधार के संबंध में कल्याणकारी राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि राज्य की जन कल्याणकारी नीति ही भारतीयों के लिए हितकारी सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मशीनी उत्पादन का पक्ष लिया। गोखले ने राष्ट्रीय आय में वृद्धि के भी सुझाव दिए और कहा कि उत्पादन कार्य में लगे व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि करनी चाहिए। उद्योगों में
लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उत्पादन क्षमता को बेहतर तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिए जो लाभकारी हो। अधिक उत्पादन हेतु पूंजी निवेश किया जाना चाहिए। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए तथा उद्योगों में भारत के शिक्षित मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। गोखले का विश्वास था कि इन सब उपायों से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने सैनिक व्यय में कमी की मांग की। गोखले ने ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सेना पर किए जाने वाले व्यय का विरोध किया। उनका विचार था कि सेना पर किया जाने वाला यह खर्च अनुत्पादक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक भार डालता है। वेल्बी आयोग के समक्ष बोलते हुए उन्होंने कहा, जबकि कुल राजस्व व्यय में सेना संबंधी विषयों में रूस में 21%, फ्रांस में 19% तथा जापान में 16% राशि व्यय की जा रही थी, भारत सरकार के कुल राजस्व का 35% सेना पर व्यय किया जा रहा था। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जा रहे ऊंचे वेतन तथा प्रशासन पर किए जाने वाले अनावश्यक खर्च का भी विरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने की भी मांग की। साथ ही साथ भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का भी विरोध किया। यद्यपि संचार व्यवस्था तथा अकाल राहत कार्यों की दृष्टि से उन्होंने रेलों के विस्तार को महत्वपूर्ण माना, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में रेलों का विस्तार मानवता की भावना से प्रेरित न होकर व्यावसायिकता से प्रेरित है। भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में निर्मित माल लाने के लिए रेलों का उपयोग किया जा रहा है। रेलों के व्यावसायिक उपयोग का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण भारतीय उद्योगों को घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार गोखले के आर्थिक विचारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गोखले उन प्रगतिशील विचारकों में से थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को भारतीय संदर्भ में समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ आर्थिक चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करके उन्होंने उसके निदान भी प्रस्तुत किए। तो ये थे बच्चों गोखले के आर्थिक विचार। अब मैं आपको उनके सामाजिक विचारों के संबंध में बताती हूँ। गोखले यद्यपि राममोहन या दयानंद सरस्वती की भांति समाज सुधारक नहीं थे, लेकिन उनका एक निश्चित सामाजिक दर्शन था जिसे उन्होंने समय समय पर व्यक्त किया। गोखले के सामाजिक विचारों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे वे जाति व्यवस्था के विरोधी थे। गोखले ये महसूस करते थे कि भारत में विद्यमान अनेक जातियों और उपजातियों तथा उनके पारस्परिक वैमनस्य के कारण भारत किसी महान उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो रहा है। अतः उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा दलित जातियों के उत्थान का समर्थन किया। उन्होंने भारतीयों से जातिगत संकीर्णता से बाहर निकलने का विरोध किया। उन्होंने भारत में ही नहीं वरन दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति की भी आलोचना की। गोखले मद्य निषेध के पक्षधर थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से गोखले मद्य निषेध को आवश्यक मानते थे। वे अफीम, शराब, तंबाकू आदि के प्रयोग को मानवता के लिए अभिशाप और व्यक्तित्व के विकास में बाधक मानते थे। उन्होंने नशे की रोकथाम के लिए नशीली वस्तुओं पर अधिक कर लगाने की मांग भी की। इसके अतिरिक्त गोखले धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उन्होंने ये माना कि धार्मिक सहिष्णुता एकता का प्रबल आधार है। हिंदू और मुसलमानों में मधुर संबंधों के विकास द्वारा ही भारत का विकास संभव है। यही कारण था कि उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया तथा सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने कानून द्वारा सामाजिक परिवर्तन का पक्ष लिया। वे नारी स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे, वे आधुनिकीकरण के भी पक्षधर थे, लेकिन परंपरा विरोधी नहीं थे। उनकी भारतीय संस्कृति में आस्था थी, गोखले की प्राचीन भारतीय संस्कृति में आस्था थी। वे भारत की प्राचीन सभ्यता, उन्नत विचारों, उत्कृष्ट दर्शन, साहित्य पर गर्व करते थे। 1906 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना उन्होंने भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों, आत्मत्याग और बलिदान को दृष्टि में रखकर ही की थी। वे चाहते थे कि भारत के लोग प्राचीन भारतीय गौरव से प्रेरणा लेकर आत्मविश्वास जागृत करें तथा उदारवादी मूल्यों को ग्रहण करने में भी तत्परता दिखाएं। वे मानते थे कि भारत की प्राचीन संस्कृति भारत के विकास का एकमात्र पूर्ण आधार नहीं हो सकती। तो इस प्रकार बच्चों, ये थे गोखले के सामाजिक विचार। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं गोखले के अन्य विचारों के संबंध में आपके साथ चर्चा करूंगी। धन्यवाद।